Hello friends, welcome to my YouTube channel CSE Tutorials. So, jQuery सीखने की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे यहाँ पर How to add CSS class in jQuery. ठीक है, सॉरी यहाँ पर CSS class आएगा. CSS ऐड करना हमने लास्ट वीडियो में देख लिया कि कैसे हम किसी एलिमेंट पे CSS अप्लाई कर सकते हैं. अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट CSS class, कि हम डायनेमिक टाइम पे क्लासेज हम जो बनाते हैं उनको कैसे हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. क्लास का मतलब है कि हम यहाँ पर जो CSS में क्लास बनाते हैं उनको कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर. सो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो. सो यहाँ पर हम बात करते हैं एडिंग क्लास टू jQuery एलिमेंट्स. तो बेसिकली यहाँ पर एड क्लास नाम का एक मेथड होता है, ठीक है, जो वन और मोर क्लासेस को एग्जिस्टिंग एलिमेंट पे अप्लाई करने के लिए या ऐड करने के लिए यूज में लिया जाता है. इसका सिंटैक्स एज यूजुअल बिल्कुल सिंपल है. डॉलर सिंबल के साथ एलिमेंट का नाम देंगे, फिर डॉट करके वो फंक्शन जिसको आप अप्लाई करना चाहते हैं. तो क्लास ऐड करने के लिए ऐड क्लास नाम का यहाँ पर फंक्शन होता है, ठीक है. और ऐड क्लास नाम का फंक्शन होता है, यहाँ पर आप देखें ए कैपिटल, ए स्मॉल होता है और सी फिर कैपिटल होगा, क्योंकि कोई भी फंक्शंस होता है ये इसका बाय डिफॉल्ट रूल होता है कि जैसे मोर देन वन वर्ड होते हैं तो पहला वर्ड का पहला कैरेक्टर स्मॉल होता है, उसके बाद से आगे वर्ड आएंगे उनके पहला कैरेक्टर कैपिटल होगा. जैसे ऐड क्लास, इसमें ऐड और क्लास दो वर्ड हैं, तो ए स्मॉल होगा स्टार्टिंग वाला, फिर नेक्स्ट जितने वर्ड आएंगे जैसे क्लास आएगा तो सी कैपिटल होगा. ये एक क्लास का या फिर फंक्शंस के नाम देने का रूल होता है, ठीक है. तो ऐड क्लास नाम का फंक्शन होता है और इसमें पैरामीटर्स हम प्रोवाइड करेंगे जो क्लास हम ऐड करना चाहते हैं या अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है. इसी तरीके से नीचे दूसरा सिंटैक्स है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक साथ हम मोर देन वन क्लास मतलब कि मोर देन वन पैरामीटर भी पास कर सकते हैं. अगर हम एक साथ दो क्लास अप्लाई करना चाहते हैं तो दो क्लास यहाँ पर हम प्रोवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्लास वन और क्लास टू, एक साथ हम दो क्लास भी प्रोवाइड कर सकते हैं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर. अब हम प्रैक्टिकल पार्ट जिसमें आप अच्छे से यहाँ पर समझ पाएंगे, जिसमें मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली ये सब करके बताऊँगा. सो मैं क्या करता हूँ, ये हमारा ऐड CSS नाम का जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इसको मैं कोड को कॉपी कर लेता हूँ और एक मैं यहाँ पर नई फाइल बनाता हूँ. इसको इसमें पेस्ट करके इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ, लेट्स से ऐड क्लास डॉट HTML नाम से, ओके. और मैं एज यूजुअल यहाँ पर जो ऑलरेडी CS जो कोड लिखा हुआ है JavaScript का, सॉरी jQuery का, उसको यहाँ पर मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है. अब हम बात करते हैं यहाँ पर CSS में ऐड CSS क्लास कैसे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर. सो मैं बेसिकली यहाँ पर दो बटन है मेरे ऑलरेडी, तो मैं इनका नाम दे देता हूँ, लेट्स से ऐड क्लास वन और एड क्लास टू, ठीक है. सॉरी. सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हेडिंग है, एक एलिमेंट है पी एलिमेंट, सॉरी मतलब कि पैराग्राफ. सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं बी आर टैग का यूज करके लेट से मैं एक डिव एलिमेंट यहाँ पे बना लेता हूँ जिसपे हम अप्लाई करेंगे ये सब कुछ. आप कोई सा भी एलिमेंट यहाँ पर यूज कर सकते हैं. सो फिलहाल के लिए मैं डिव एलिमेंट यहाँ पर यूज कर देता हूँ और इसमें लिख देता हूँ लेट से दिस इज ए डिव एलिमेंट, ठीक है. ये एक डिव एलिमेंट है और इसकी स्टार्टिंग में हम चाहें तो कोई आईडी भी दे सकते हैं, वैसे इसकी नीड अभी नहीं है. लेट से मैं डिव वन नाम की एक आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है. सो हमने अभी एक डिव एलिमेंट बनाया, ठीक है. अब मैं एक बार इसको आपको दिखा देता हूँ कि अभी तक का हमारा जो HTML है वो कैसा यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है. तो ये अभी तक का हमारा यहाँ पर HTML कोड है. मैंने यहाँ पे पैराग्राफ के बाद में br टैग यूज कर दिया, जबकि मुझे करना चाहिए div एलिमेंट के बाद में, क्योंकि हम div एलिमेंट के बाद में और बटन्स के बीच में यहाँ पर स्पेस देना चाहते हैं, ठीक है. सो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा अभी स्टार्टिंग का HTML है. अब मैं क्या करना चाहता हूँ, जो हमारा div एलिमेंट है इस पे जो क्लास हम अप्लाई करेंगे CSS क्लास, तो वो क्लास पहले मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा. और क्रिएट करने के लिए अब हमें पहले CSS भी यहाँ पर अप्लाई करना होगा, ओके. सो पहले हम यहाँ पर CSS अप्लाई करते हैं, सॉरी,
ठीक है, यहाँ पर तो हम जावा जे क्वेरी कोड लिखेंगे, इससे पहले मुझे सी एस एस भी अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि सी एस एस का कोड लिखना पड़ेगा। तो मैं स्टाइल टैग का यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और स्टाइल टैग का यूज़ करके यहाँ पर मैं दो क्लास बनाऊँगा जिनको हम ऐड करेंगे, ठीक है। सिंपल सी कोई भी क्लास हम बना लेते हैं, जैसे डिव एलिमेंट पे मैं हाइट विड्थ और बैकग्राउंड कलर टेक्स्ट कलर ये यहाँ पे सेट कर देता हूँ। सो लेट्स से मैं, आपको पता होगा सी एस एस में अगर क्लास बनाते हैं तो हम डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, मतलब डॉट क्लास का नाम, ठीक है। लेट्स से क्लास वन और क्लास टू में दो क्लास बना लेता हूँ, ठीक है। तो अब इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कुछ कोड लिखूँगा। लेट्स से मैं जो डिव एलिमेंट है उस पर हम अप्लाई करेंगे, तो लेट्स से बैकग्राउंड कलर मैं इसका चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर लेट्स से ब्लू कर देते हैं, और यहाँ पे फॉन्ट फॉन्ट साइज भी हम चेंज कर देते हैं, लेट्स से 30 पिक्सल। और क्या कर सकते हैं, इसकी हाइट हम चेंज कर सकते हैं, लेट्स से 100, ठीक है। या फिर हम कर देते हैं यहाँ पर 250 पिक्सल्स, ओके सॉरी। और इसी तरीके से हम यहाँ पर विड्थ भी चेंज कर सकते हैं, लेट्स से 250 पिक्सल्स, ठीक है। ये हमने एक क्लास बना दी है, और हम एक दूसरी क्लास और बना लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर दो क्लास कैसे ऐड करते हैं वो भी हम देखेंगे, और फ्यूचर में हम दोनों क्लास के बीच में टॉगल कैसे कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी हम देखेंगे। तो मैं क्लास टू भी बना लेता हूँ, लेट्स से बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर यहाँ पर मैं दे देता हूँ लेट्स से येलो, और अब की बार फॉन्ट साइज मैं बढ़ा देता हूँ लेट्स से 50 पिक्सल्स, और हाइट भी मैं बढ़ा देता हूँ लेट्स से 400 पिक्सल, ठीक है। और विड्थ भी मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ लेट्स से 400 पिक्सल, ठीक है। हम समझने के लिए क्लास बना रहे हैं, सिंपल सा सी एस एस अप्लाई कर रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सी एस एस अप्लाई कर सकते हैं प्रॉपरली, ठीक है। अभी मैं सिंपल छोटा सा सी एस एस अप्लाई कर रहा हूँ, ऐसे ही फॉन्ट बैकग्राउंड विड्थ हाइट हाइट विड्थ चेंज करके आपको बताने के लिए, ठीक है। तो ये मैंने सी एस एस अप्लाई कर दिया है, सी एस एस कोड लिख दिया है यहाँ पर। अब हम जे क्वेरी की बात करते हैं कि हम सी एस एस की जो क्लास बनाए उनको कैसे अप्लाई करेंगे हमारे डिव एलिमेंट में, ठीक है। तो अब जे क्वेरी का कोड आपको पता है कैसे लिखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट वन मिनट, सॉरी यहाँ पे मुझे स्क्रिप्ट टैग का यूज करना होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने वो कॉपी पेस्ट किया था कोड, उसमें से वो रिमूव हो गया था यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर मैं अब जेक्वेरी का कोड लिखूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, ठीक है, फंक्शन। अब आप सबको पता है ये हम क्यों लिखते हैं, ठीक है। अगर कोई नया है जिसको नहीं पता कि हम क्या लिख रहे हैं, ये क्यों लिख रहे हैं, तो ये प्रीवियस वीडियो पहले देखे, मैं रिकमेंड करूँगा तभी उसको समझ आएगा, ठीक है। सो अब हम चाहते हैं कि हमारा बटन वन अगर क्लिक होता है तो बटन वन को कैसे हम सेलेक्ट करेंगे, उसकी आईडी हमारे पास है BTN1, ठीक है। बटन वन अगर क्लिक होता है, सीख रहे, बटन वन अगर क्लिक होता है तो हम क्या चाहते हैं वो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। अगर बटन वन क्लिक होता है तो हम चाहते हैं कि हमारा एक एलिमेंट है जिसकी आईडी हमारे पास है यहाँ पर div1, उसको सेलेक्ट कर लेगा, और उसको सेलेक्ट करने के बाद उस पर हम क्लास अप्लाई करेंगे, और क्लास अप्लाई करने के लिए आपको पता है ऐड क्लास फंक्शन होता है, ठीक है। ऐड क्लास, और इसमें हम पैरामीटर पास करेंगे कौन सी क्लास हम अप्लाई करना चाहते हैं। लेट्स से हम क्लास वन हमने बनाई है सीएसएस की, इसको अप्लाई करना चाहते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू है, फॉन्ट साइज 30 है, हाइट और विड्थ 250 है, ये क्लास हमें अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पर क्लास का नाम सिंपल यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे, लेट्स से क्लास वन, ठीक है, और मैं सेमी कॉलन से स्टेटमेंट एंड कर देता हूँ। तो मैं इसको सेव करके अब मैं यहाँ पर अगर रिफ्रेश करके अपना जो HTML पेज है इसको चेक करता हूँ, अभी हम देख सकते हैं ये डिव टैग है, इस पर कोई क्लास अप्लाई नहीं है। अब मैं ऐड क्लास वन पे क्लिक करूँगा जैसे ही, तो आप देख सकते हैं इस पर क्लास वन जो CSS कोड हमने लिखा था वो अप्लाई हो गया, उसका बैकग्राउंड कलर है जो ब्लू हो गया, फॉन्ट साइज 30 हो गई, और हाइट और विड्थ 250 सेट हो गई। कहने का मतलब है कि हम जैसे ही बटन पे क्लिक कर रहे हैं इसमें वो क्लास अप्लाई हो जा रही है डिव एलिमेंट पे, ठीक है। इसी तरीके से हम क्लास टू अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो हम बटन टू अगर प्रेस करते हैं तो क्लास टू अप्लाई हो जाए। तो इसके लिए हम दोबारा से यहाँ पे कोड लिख देंगे, अब ये चाहते हैं कि बटन टू अगर क्लिक होता है
तो हम क्या करना चाहते हैं, डिव एन पे क्लास टू लगाना चाहते हैं, सेकेंड क्लास, ठीक है। तो क्लास टू कर देंगे सिंपल। तो अब मैं रिफ्रेश करके और फिर से इसको अब की बार मैं देखूंगा यहाँ पर, अगर मैं क्लास वन बटन वन पे क्लिक करूँगा तो पहली क्लास जो हमने बनाई थी इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू था और एज फॉन्ट साइज 30 और हाइट विड 250 था, वो अप्लाई हो गए। बट मैं बटन टू पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं इसके जो सेकंड क्लास है वो अप्लाई हो गए। डायनेमिकली हम चेंज कर पा रहे हैं, बैकग्राउंड कलर येलो, फॉन्ट साइज 50 और हाइट विड 400। तो हम बटन वन पे क्लिक कर रहे हैं तो वो क्लास अप्लाई हो जाएगी और बटन टू पे क्लिक करेंगे तो दूसरी क्लास अप्लाई हो जाएगी। बट ये काम अब हम एक ही साथ कर सकते हैं, हमारे पास एक ऐसी नीड भी आ सकती है हमें, अभी तो हम अलग अलग बटन के थ्रू अलग अलग क्लास अप्लाई कर पा रहे हैं, बट ऐसे भी तो हो सकता है कि मोर देन वन क्लास हैं जो हम एक साथ अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास वन है जिसमें मैं क्या चाहता हूँ, बैकग्राउंड कलर ब्लू दे देता हूँ, फॉन्ट साइज को मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, और मैं हाइट और विड्थ को भी मैं लेट से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और मैं सेकेंड क्लास में क्या रखता हूँ, बैकग्राउंड कलर को मैं रिमूव कर देता हूँ, मैं सिर्फ फॉन्ट साइज और हाइट ऑफ वीडियो रखूँगा। मतलब कहने का मतलब है कि ऐसा हो सकता है कि हम दो क्लासेज का CSS एक साथ अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे पहली क्लास में क्या होगा, बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाएगा और सेकेंड क्लास में क्या है, फॉन्ट साइज 50 हो जाएगी और हाइट ऑफ वीडियो 400 हो जाएगा, ठीक है। ये दो क्लास है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं दोनों क्लासों को एक साथ अप्लाई करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि बटन वन अगर क्लिक होता है तो अभी क्लास वन अप्लाई होगी बट एक साथ दोनों क्लास अप्लाई हो जाए। तो मैंने बताया था मोर देन वन क्लास भी यहाँ पर पास कर सकते हैं, सिंपली आपको सेकंड क्लास यहाँ पर पास कर देनी है। तो अब बटन वन जैसे ही क्लिक होगा तो क्लास वन और क्लास टू एक साथ अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। अब क्लास वन में क्या है, बैकग्राउंड कलर ब्लू है और क्लास टू में क्या है, फॉन्ट साइज 50, हाइट ऑफ विड 400 है। तो एक साथ जैसे ही मैं बटन वन क्लिक करूंगा तो एक साथ दोनों क्लास अप्लाई हो जाएंगी। इस तरीके से हम यहाँ पर दो क्लास भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सो अब मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं मैं क्लास बट एड क्लास वन मतलब बटन वन पे क्लिक करूंगा तो दोनों क्लास एक साथ अप्लाई हो जाएगी। पहली क्लास में क्या था, बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया और दूसरी क्लास में क्या था, फॉन्ट साइज 50 हो गई और हाइट ऑफ विड 400 हो गई। तो इस तरीके से हम दोनों क्लास को एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैंने बात किया था, यहाँ पर देखा था कि ऐड क्लास मेथड का यूज करके हम कैसे क्लास ऐड कर सकते हैं। हमने ये भी देखा था कि मोर देन वन क्लास एक साथ कैसे हम ऐड कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसको ये आपको समझ आई होगी। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके, इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं जितना जल्दी पॉसिबल होगा उसका रिप्लाई करूँगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे मोर देन 1300 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे एक अच्छा कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है फॉर द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। सो आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।